और वहीं देश में कोयले की कमी से बिजली संकट पर एनटीपीसी के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अनिल सिंह ने कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से कोयले का संकट गहराया हुआ है। एनटीपीसी बिजली संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं 10 से 15 दिन में कोयले के संकट से निपट भी लिया जाएगा। देश में कहीं पर भी बिजली संकट नहीं होगा। पहले देखिए बोला कि जो कोयले का संकट का बात चल रहा है, हमारा जितने एनटीपीसी के प्लांट हैं आधे से ज़्यादा प्लांट में तो हमारे पास 4 से 6 दिन से 8 दिन का अभी भी कोयला है और कुछ प्लांट में 2 दिन 3 दिन का कोयला है। ये जो हम बोलते हैं 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते का कोयला है, ये टोटल कैपेसिटी पे कैलकुलेशन होता है। जैसे जहाँ हमारा मान लीजिए 10,000 कोयला का खपत है तो वो बोलते हैं अगर 20,000 है तो 2 दिन का है। कहीं बिजली की कोई कमी नहीं है ऐसा। और अभी जो हमारे कल ही हमारे परसों एक हमारा इंटरनल ये 8 तारीख को दिल्ली में मीटिंग था सीएमडी साहब डायरेक्टर आरईडीज का, तो वहाँ पे भी बताया गया है कि विद इन 10 to 15 डेज जो भी कोल का प्रॉब्लम है, जो भी छोटा जो भी स्टॉक कम है बोल सकते हैं, स्टॉक हम और ज़्यादा रखते हैं, वो अभी 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और उसका रीज़न अब आपको मैं भी बता देता हूँ। ये जो कोयले की कमी आई है, एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ इस साल, सितंबर मंथ में इतना बारिश कभी नहीं होता है, आप लोग भी देख रहे होंगे। और बारिश जब होती है तो कोयला हमारे मोस्टली कोयले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews.